पठानकोट में शिवसेना टकसाली की ओर से बिन्नी वर्मा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता देंगे कुछ शरारती तत्वों की ओर से शिवसेना को धमकी दी गई थी कि वह तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जिसके चलते शिवसेना टकसाली ने उनकी धमकी को मंजूर करते हुए पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली। जय श्री राम। आज शिवसेना टकसाली वालों यह तिरंगा मार्च जेड़ा बस स्टैंड तो शुरू हो के गाड़ी हाथा चौंक, फिर डाकखाना चौंक और गांधी चौंक की जड़ी समाप्ति की जाएगी। मैं दस दवा कि तिरंगा मार्च अज साढ़े स्वतंत्रता 75वां दिवस है और इसकी खुशी के अज तिरंगा मार्च कर रहे हैं। और जोड़ा विदेश बैठे था गुरपत सिंह पन्नू, जिन्हें कहा कि तिरंगा लहरा नहीं देवे, अज तुम सारे पासे नज़र मार लो, तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा साड़ी आन बान शान है। अगर तिरंगे को सानू छाती दे विच लाना पऊगा, आपां छाती दे विच ला के दसांगे। इस करके उस शरारती अंसर नू मेरे वालों और मेरी टीम वालों सीधी चेतावनी है, जे अगर वह अपने बयानबाजी तो नहीं सुधरिया तो ये अंजाम जड़े आ घातक सिद्ध होणगे, क्योंकि हिंदू सिख का जिहड़ा नाता है वह नूह मास का रिश्ता है। ये लोग पैसे के चक्कर के बिच जूत नू गुमराह कर रहे हैं। और जय श्री राम जी, मैं अंकुश ककड़िया, जिला अध्यक्ष शिवसेना टकसाली तो। पहला तो मैं आए हुए सारे अपने वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद दिना है कि अज 15 अगस्त वाले दिन इत्थे आए ने। जिस तरह जोश अज इस मुंडियां विच है, जिस तरह जोश अज भारत वासियां जा वो देखने वाला, जिदा देखो मीह दे विच भी है खड़े ने। इन्हां दा नशा देख के तो मैनूं इक्को गल याद आती है कि कुछ नशा देश की आन में है, कुछ नशा इस भारत माँ की मान में है। हम फहरा देंगे इतने झंडे, ये संकल्प आज हमारे ध्यान में है। इसी संकल्प के नाल शिवसेना टकसाली आज उतरी है। मैं दस दवा कि साड़ी है रैली, साड़ी है संकल्प, साड़ा है शिवसेना दा टकसाली वालों साड़ी है जो रैली निकलनी है इतों की गांधी चौंक, गांधी चौंक जाके असी एक अपना राष्ट्रीय गान करके इनू समापन करांगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।